हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज पवन खनाल. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. आज मैं एक ऐसी टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ, ऐसी प्रॉब्लम पे वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें ऑलमोस्ट 95% लोगों को सॉल्यूशन मिल जाएगा. 5% लोगों को सॉल्यूशन शायद ना मिले. आप दोबारा रिप्ले करके देख लेना, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा. वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखते रहे सो दैट आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए. सो जो आज की वीडियो है वो होने वाली है गायनेकोमिस्टिया के ऊपर. गायनेकोमिस्टिया क्या होता है? गायनेकोमिस्टिया बेसिकली जब जिसको होता है उसकी जो चेस्ट है वो थोड़ा सा नीचे लटक जाती है, मतलब सैगी चेस्ट हो जाती है. मतलब कुछ फीमेल की ब्रेस्ट टिश्यू की तरह वो चेस्ट दिखने लगती है. पहले ये समझ लीजिए कि गायनेकोमिस्टिया कितने टाइप का होता है. गायनेकोमिस्टिया बेसिकली दो टाइप का होता है. एक टाइप होता है इसका सूडो गायनेकोमिस्टिया और एक होता है गायनेकोमिस्टिया. सूडो गायनेकोमिस्टिया में क्या होता है और गायनेकोमिस्टिया में क्या होता है ये समझ लीजिए. जब आपको गायनेकोमिस्टिया होता है तो इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है आपकी बॉडी का, और उसके रीजन से आपके चेस्ट में जो ये निप्पल्स हैं, निप्पल्स के नीचे एक लंप टाइप का कुछ बनने लगता है. अगर आप उसको ऐसे प्रेस करोगे तो वो आपको फील हो जाएगा आपके निप्पल के जस्ट नीचे. जो ये लंप होता है ना, इसको हम साइंटिफिक टर्म में मैमरी ग्लैंड कहते हैं. फीमेल की जो पूरी ब्रेस्ट होती है उनमें मैमरी ग्लैंड ही पाए जाते हैं, जिसके रीजन से वो आफ्टर प्रेगनेंसी अपने बच्चों को फीड करा पाती हैं. लेकिन जब हार्मोनल इंबैलेंस होता है एक मेल के अंदर, तो उनमें ये ग्लैंड थोड़ा 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 बनने लगता है, और ये इसके रीजन से इस हमें गायनेकोमिस्टिया हो जाता है. मतलब जिसको भी होता है वो गायनेकोमिस्टिया हो जाता है, इसको तो हम गायनेकोमिस्टिया कहते हैं. अब बात करते हैं सूडो गायनेकोमिस्टिया. सूडो गायनेकोमिस्टिया क्या होता है? सूडो गायनेकोमिस्टिया एक्चुअली में गायनेकोमिस्टिया होता ही नहीं है, बट गायनेकोमिस्टिया की तरह ये दिखता है. तो अगर ये गायनेकोमिस्टिया है ही नहीं तो फिर ये होता कैसे है? बेसिकली ये भी आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है. अगर आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज ज़्यादा होगा तो धीरे धीरे आपके चेस्ट सैगी हो जाएगी, और आपके क्योंकि चेस्ट सैगी क्यों होगी, वहाँ पर भी फैट एक्यूमुलेट हो जाएगा तो वो सैगी हो जाएगी, और फिर वो फीमेल ब्रेस्ट की तरह दिखने लगेगा. बट इसको हम क्योर कर सकते हैं, यही मैं इस वीडियो में बताने वाला था. गायनेकोमिस्टिया का दो टाइप है. दोनों टाइप में से अगर आपको गायनेकोमिस्टिया हो रखा है तो इसको हम ज़्यादा हो रखा है तो हम इसको क्योर नहीं कर सकते. अगर इसकी स्टार्टिंग है तो आप क्योर कर सकते हो हार्मोनल इंबैलेंस को रोक के. यू हैव टू फाइंड आउट कि आपको हार्मोनल इंबैलेंस क्यों हो रहा है, उसको रोक के आप वहीं पर आप अपना गायनेकोमिस्टिया की प्रॉब्लम रोक सकते हो. अदरवाइज़ ये हो चुका है तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है. आपको यू हैव टू गो टू अ डॉक्टर और आपको सर्जरी इसकी करवानी ही पड़ेगी, जो कि एक माइनर सर्जरी होती है. आधे घंटे से एक डेढ़ घंटे की ये सर्जरी होती है. इसमें आपके निप्पल्स के जस्ट नीचे थोड़ा सा छोटा सा कट लगता है, और उस मेमरी ग्लैंड को जिसको मैं लम्ब्स कह रहा था, जो गांठ बनी होती है वो एक्चुअली में मेमरी ग्लैंड होता है, उनको निकाल लिया जाता है, और उसके बाद वापस से चेस्ट वैसे ही नज़र आने लगती है. ठीक है, ये तो हो गया गायनेकोमिस्टिया की प्रॉब्लम का सोल्यूशन, जो कि आपको ना तो डाइट से मिलेगा, बस डॉक्टर ही इसका सोल्यूशन कर सकते हैं सर्जरी करके, माइनर सर्जरी करके. अब बात करते हैं सूडो गायनेकोमिस्टिया की. सूडो गायनेकोमिस्टिया की प्रॉब्लम का सोल्यूशन है. सूडो गायनेकोमिस्टिया की प्रॉब्लम कैसे अराइज हुई थी? आपके बॉडी के फैट परसेंटेज बढ़ने से. तो ये सॉल्व कैसे होगी? ये सॉल्व भी आपके बॉडी फैट परसेंटेज के कम करने से होगी. जैसे जैसे आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज घटता रहेगा, आपके जो ये चेस्ट में सैगीनेस है, जो ये फीमेल टिट की तरह दिख रहे हैं, फीमेल ब्रेस्ट की तरह दिखते हैं, ये धीरे 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 कम हो जाएंगे और ये ठीक हो जाएगा. सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी. दिस इज इट फॉर नाउ. बाय बाय.